चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपकी आगे आने वाली बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं, एग्जाम्स हैं, उनको ध्यान में रख करके ये प्रिपोजिशन का सेक्शन मैं लेकर के आ रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन जो होते हैं वही हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और ये जी चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं, सुपर 60 स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चे जो हैं या और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन आपका। सारी इंपॉर्टेंट आपके प्रिपोजिशंस हैं, अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। एक और चीज समझाना चाहूंगा मैं, जो शुरू की एक दो एक्सरसाइजेस हैं उसके सारे आंसर्स मैं खुद आपको समझा के बता दूंगा। और जहां से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम स्टार्ट होगा, वहां से जितने क्वेश्चंस रहेंगे पीडीएफ में, उनके आगे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप वहां खोजना चाहेंगे, कभी आपको दिक्कत हो किसी प्रीपोजिशन को समझने में, तो वहां जाके उनके आंसर्स देख के भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये सेक्शन आपका सामने है, चूज राइट प्रिपोजिशन। ठीक है, जो भी बच्चे टेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आगे सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आगे आरओ यारओ वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वहां पे आपके ये काम आएगा। ठीक है, चलिए देखें। जहां जैसे आपने देखा कि यहाँ पे सेप्टेम्बर दिया गया है, तो जैसे आपने किसी महीने का नाम देखा आप तुरंत समझ जाएं इन लगेगा। जैसे आपने 12 o'clock देखा या 9 PM, 9 AM वगैरह देखा, तुरंत समझ जाएं क्या लगेगा, एट लगेगा। कोई भी सीजन होता है तो उसके पहले इन लगेगा। ईस्टर मंडे ये दिन है आपका ना, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ये 4th July डेट है ना, भले यहाँ पे आपको यहाँ पे सन दिया गया है, बट ये जो डेट है ये कह रही है कि यहाँ पे क्या लगेगा, आपको ऑन लगेगा। क्रिसमस है तो यहाँ क्या लगेगा, एट लगेगा। ट्यूसडे है, दिन का नाम है, तो क्या लगेगा, आपको ऑन लगेगा। द वीकेंड अगर दिया गया होता है तो वहां क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, एट द वीकेंड होता है, याद कर लेंगे, सब हमेशा काम आएगा। कोई भी अकेजन है तो वहां पे हम ऑन लगाते हैं, तो बर्थडे क्या होता है, एक अकेजन होता है, तो ऑन लगेगा। जैसे आपने द एंड देखा ना, तो क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा, एट द एंड ऑफ द वीक। ये 10 क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे, अलग अलग प्रकार के हैं, तो आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, एक बस अब देखें, इसके आगे भी आपके पास क्वेश्चंस हैं और ये सारे भी अनुभव पे ही बनाए गए हैं, ताकि अलग अलग प्रकार से आप इनको तैयार कर सकते हो। देखें, करे व्हाट आर यू डूइंग, ये दिन का नाम है ना, तो क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा। आई एम गोइंग टू द कंट्री साइड द वीकेंड, अब समझ गए होंगे, द वीकेंड है तो क्या लगेगा, एट लगेगा। दिसंबर महीने का नाम है तो क्या लगेगा, इन लगेगा। आई एम लीविंग द आफ्टरनून, मे बी द आफ्टरनून है ना, अगर यहाँ पे द नहीं होता तो आप क्या लगा लेते, एट, लेकिन चूंकि द आफ्टरनून, द इवनिंग, द नाइट होता है, तो आपको याद होगा ना क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो आई एम लिविंग इन द आफ्टरनून, मे बी, अब यहाँ 3 o'clock है, तो अभी आपने ऊपर किया था ना, क्या हो जाएगा, एट, एट 3 o'clock PM। आई एम कमिंग बैक, संडे इवनिंग है, दिन का नाम है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑन संडे इवनिंग हो जाएगा। दैट सॉन्ग रिमाइंड्स मी, रिमाइंड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। ठीक है, हैव यू हियर, हियर के साथ जनरली किसी के बारे में अगर किसी इंफॉर्मेशन वगैरह की हम बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। डोंट कॉल मी, क्या लगाएंगे, एट लंच टाइम प्लीज, यू शुड कम, अब यहाँ कई हो सकता है, अगर आप ये कहना चाहते हैं जो समय नियत है उससे पहले की बात करेंगे तो हम क्या लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जिस समय बुलाया गया है उसी समय आए, तो क्या लगा सकते हैं, ऑन लगा सकते हैं। इन टाइम तब होता है जब समय बचा हुआ हो, और ऑन टाइम तब होता है जब उसी समय पर आप वो कार्य करते हो। ठीक है, कुड यू कम, दिन का नाम है तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आई एम गोइंग टू डू द प्रेजेंटेशन एट देयर कंपनी नेक्स्ट वीक, अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप समझेंगे अपने एग्जाम के लिए, जब भी कोई समय सूचक शब्द हो बच्चों, जैसे वीक है, मंथ है, ईयर है, समय सूचक शब्द हो और उसके पहले अगर नेक्स्ट का प्रयोग किया गया है, लास्ट का प्रयोग किया गया है, एवरी का प्रयोग किया गया है, आफ्टर का प्रयोग किया गया है, बिफोर का प्रयोग किया गया है, तो उसके पहले किसी प्रिपोजिशन का प्रयोग न करिएगा। ठीक है, सुन के बाद में, चाहे रिकॉर्डिंग को सुन करके आप फिर से तैयार करना चाहेंगे तो आपके काम आएगा। दे आर गेटिंग मैरिड, अब यहाँ 2 months है, अगर आपको ये कहना है
कि वो 2 महीने में शादी कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, इन 2 मंथ्स ले सकते हैं। लेकिन हम एक और प्रिपोजिशन लगा सकते हैं ना, कि वो 2 महीनों के बाद शादी कर रहे हैं, तब क्या लगा सकते हैं आप, समझ सकते हैं, आफ्टर लगा सकते हैं। दिस ब्यूटिफुल बिल्डिंग वॉज बिल्ट, जहां पे सेंचुरी दिया गया हो वहां पे हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन, सेंचुरी के लिए या महीने के लिए या फिर साल के लिए वहां पे, या एरा के लिए हम क्या लगाते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। द सिचुएशन प्रेजेंट इज वेरी डिफिकल्ट, यानी वो सिचुएशन जो इस समय है, वर्तमान में है, इज वेरी डिफिकल्ट, हाँ जो इस समय है, तो क्या होता है, याद होगा आपके, एट प्रेजेंट होता है, यानी वो सिचुएशन एट प्रेजेंट जो इस समय है इज वेरी डिफिकल्ट। ही विल बी बैक 10 मिनट्स, अगर आपको ये कहना है कि वो 10 मिनट के अंदर आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं आप क्या लगाएंगे, विद इन लगाएंगे आप, है ना, विद इन 10 मिनट्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि 10 मिनट में आ जाएगा और पूरा 10 मिनट आप काउंट करना चाहते हो, तब क्या लगाएंगे आप, पता है ना, तब आपको इन लगाना होगा। तो ही विल बी बैक इन 10 मिनट्स भी हो सकता है और विद इन 10 मिनट्स भी हो सकता है। और अगर आपको ये कहना हो कि वो 10 मिनट के बाद आएगा, तो आप समझ सकते हैं आफ्टर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। द कंपनी इज क्लोज्ड पब्लिक हॉलीडेज, ये क्या है, अकेजन है, तो अगर कोई अकेजन होता है, अवसर होता है, तो वहां जनरली हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो द कंपनी इज क्लोज्ड ऑन पब्लिक हॉलीडेज। नेक्स्ट आपका सेगमेंट है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिटवीन एंड एमंग, आपको ये बताना है कि कहाँ बिटवीन लगेगा, कहाँ एमंग लगेगा। तो कितने लोग हैं, मैरी एंड पीटर, तो क्या लग जाएगा, बिटवीन लग जाएगा ना, 2 लोगों के लिए, तो यहाँ ये हो जाएगा। द मोनास्ट्री इज हिडन, अब ये 2 लोग तो है नहीं, बहुत सारे पेड़ होंगे, उनके बीच की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, एमंग हो जाएगा। आवर हाउस इज डैश द वुड्स द रिवर एंड द वे, ये सारी चीजें हैं ना जो चारों तरफ उस घर के हैं, तो ये एक तरफ हो गया, यानी एक चीज में आ गए और उसके बीच में आपका घर है। तो जब कई चीजों के बीच में एक चीज हो, तो वहां पे हम एमंग का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा काम आएगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं इसको, और शायद अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कल परसों पढ़ाया था। यहाँ पे है आई विल बी एट द ऑफिस डेस्क 8 एंड 6, यानी 8 और 6 के बीच में मैं ऑफिस में रहूंगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा पता है ना आपको, बिटवीन लग जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंस, जहां भी डिफरेंस का प्रयोग है, जहां भी कोई टूर्नामेंट का प्रयोग है, जहां भी लीग का प्रयोग है, वहां पे ऐसे शब्दों के साथ हमको क्या लगाना होता है, बिटवीन लगाना होता है। और वैसे देखें 2 ही है ना, क्रोज एंड रुक्ष, तो क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। ही हैज अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन डैश, अब ये बहुत सारे मित्र होंगे ना, तो फिर क्या लगा लेंगे हम, एमंग लगा लेंगे, यानी यहां पर एमंग का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट आप देख रहे होंगे आपके सामने है फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो पहला क्वेश्चन है पीटर इज प्लेइंग टेनिस, ये अलग अलग लेवल्स पे प्रीपोजिशंस हैं जो सारे इंपॉर्टेंट हैं, काम आएंगे। बहुत बार मैंने इस तरीके से बनाया है कि आपको रिवीजन भी मिलता रहे प्रिपरेशन के दौरान। तो पीटर इज प्लेइंग टेनिस क्या है, दिन है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। माई ब्रदर्स बर्थडे इज, ये तारीख है ना, तो क्या हो जाएगा, हाँ भले यहाँ नवंबर है आपका, बट आप इसके अनुसार लगाएंगे, यानी ये क्या लिखा होता, माई ब्रदर्स बर्थडे इज ऑन 5th ऑफ नवंबर, यानी आपकी प्रेफरेंस नवंबर नहीं, आपकी प्रेफरेंस क्या है, 5th, तो तारीख यानी डेट के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ये देखिए महीने का नाम है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। और अभी आपने ऊपर पढ़ा था जहां पे द वीकेंड होता है, तो क्या लगाते हैं, एट द वीकेंड होता है। ये सन है आपका ना, है ना, तो किसी भी जो सन दिया गया होता है उसके पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। आई डोंट लाइक वॉकिंग अलोन द स्ट्रीट्स, जब भी नाइट से पहले या इवनिंग से पहले या आफ्टरनून से पहले द लगा होता है, तो वहां पे हम इन लगाते हैं। लेकिन जब नाइट के पहले, इवनिंग के पहले और आफ्टरनून के पहले द नहीं लगा होता है, तो याद कर लीजिएगा एट लगाते हैं, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे द नाइट लिखे होते, द नाइट होता, तब क्या हो जाता, इन हो जाता। लेकिन केवल अगर नाइट है, तब क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा आपका। व्हाट आर यू डूइंग, अब यहां देख लीजिए, यहीं पे आपका रिवीजन मिल गया ना, द आफ्टरनून है, द आफ्टरनून है, तो क्या हो जाएगा,
इन हो जाएगा। माई फ्रेंड हैज बिन लिविंग कैनेडा 2 ईयर्स, ये हैज बिन बता रहा है, और 2 साल से वो रह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा। आपको याद होगा पॉइंट ऑफ द टाइम जो होता है वहां पे सेंस, और पीरियड ऑफ द टाइम जो होता है वहां पे फार लगाते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, अब यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ द टाइम है ना, 7 o'clock निश्चित हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंस हो जाएगा। आई विल हैव फिनिश दिस एसे डैश फ्राइडे, यानी आप फ्राइडे तक इस एसे को क्या कर चुके होंगे, समाप्त कर चुके होंगे। जहां पे किसी फ्यूचर के टाइम के लिए हम तक का भाव लेते हैं वहां पे क्या हम लगाते हैं, बाई लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। अब ये देखिए इतने प्रीपोजिशन जो टाइम से संबंधित होते हैं वो यहां पे आपको दिए गए हैं, रिविजन भी हो जाएगा और प्रिपरेशन भी हो जाएगा। लूसी इज अराइविंग डैश फेब्रुअरी द 13th, यहां हमारा जो प्रेफरेंस होगा ना वो फरवरी नहीं होगा, वो क्या होगा, 13th डेट है आपका ना, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। 8 o'clock है तो आपको पता है क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। मॉर्निंग द मॉर्निंग है तो आपको पता है क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। वैसे मॉर्निंग के पहले द लेते हैं और इन ही लगाते हैं। द वेदर इज ऑफन टेरिबल इन लंडन जनवरी, जनवरी तो केवल महीना यहां दिया गया है ना, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इट इज बेटर टू गेट टैक्सी इफ यू आर आउट अलोन, अब यहां देखिए केवल नाइट है, द नाइट तो है नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। शी गॉट मैरिड, महीने का नाम है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा आपको क्योंकि ये प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, सारी प्रिपोजिशन जो आपके लिए क्या है, जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये है आपका दे यूजली गो टू द साउथ ऑफ फ्रांस द समर, मैंने कहा जहां सीजन होता है वहां पे इन लगाते हैं। कोलंबस सेल टू द अमेरिकन अमेरिकास डैश द 16th century, अभी आपने पढ़ा था जहां पे सेंचुरी दिया हो वहां पे हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। द बीटल्स वर पॉपुलर, जहां पे है ना 1960, ये भी क्या है, सेंचुरी एक तरह से है, मींस समय दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी डैश, यहां भी वही है ना, सन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। हिज बर्थडे इज, महीने का नाम है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। आई यूजुअली गो टू माय पेरेंट्स हाउस क्रिसमस है, तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। लेकिन अगला सेंटेंस आप देखें, अगले में आपको क्रिसमस तो दिया गया है लेकिन क्रिसमस के साथ डे जोड़ दिया गया, और आपको पता है डे होता है तो क्या हम लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ये हो जाएगा ऑन क्रिसमस डे हो जाएगा। द ट्रेन लीव्स टुमारो मॉर्निंग, ये ट्रेन जो है कल सुबह छूट रही है, तो नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन की नीड नहीं आपको है, लेकिन कितने बजे छूट रही है, 8 बजे, तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। आई लव गोइंग स्कीइंग, जनवरी का नाम है ना, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। वी मेट एट द रेस्टोरेंट, 8 PM है, तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। द क्लासेस एट 9 AM हो जाएगा। मंडे मॉर्निंग्स, अभी मंडे मॉर्निंग्स है यानी सुबह का समय है, मंडे दिन है, दिन का नाम है, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। I like to drink coffee. The morning है ना, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। एंटी, फिर the afternoon है, तो क्या हो जाएगा, इन हो। यही पे केवल afternoon होता ना, तो एट हो जाता आपका। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको सारे क्वेश्चंस। चलिए, ये मैं अपने घर पे आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत आवाजें इधर उधर आ सकती है, बट आपके काम आ जाएगा। ठीक है, देखें, We went out for dinner last Wednesday. अब यहाँ सीखने की चीज है, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जब कोई समय दिया गया हो और उसके पहले लास्ट हो, नेक्स्ट हो, एवरी हो, दिस हो, दैट हो, तो उसके पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। She left London. अब यहाँ क्या है, आपको देखें डेट दी गई है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाए। केवल मार्च होता ना, तो इन मार्च हो जाता। I had a party. My birthday एक occasion है, तो क्या हो जाएगा, on हो जाएगा। Lucy went to New York. New Year. यहाँ देखिए New Year, N और Y capital. यानी एक occasion की बात कर रहे हैं और एक fixed time की बात कर रहे हैं। जहाँ पे एक fixed time होता है, वहाँ पे क्या होता है? At होता है। We are meeting lunch time next Tuesday. हम lunch time पे मिल रहे हैं, तो यहाँ क्या ले सकते हैं? At. वैसे नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा। और यहां भी देखे नेक्स्ट ट्यूजडे है ना, नेक्स्ट ट्यूजडे। अब समय से पहले क्या लगा दिया गया, नेक्स्ट, तो फिर यहां किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे आप। ठीक है, चलिए, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का सेकेंड पार्ट है आपका।
सारी इंपॉर्टेंट हैं, तैयार कर लेंगे, आप भी फायदे में रहेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप सफल हो जाएंगे। तो देर वॉज अ लाउड नॉइज विच वोक अस अप। वेक अप मीन्स जगा देना होता है, सेकेंड फॉर्म है आपकी। वोक अस अप मिड नाइट, कभी भी मिड नाइट दिया गया हो तुरंत बिना समय गवाए क्या ले लें, एक्ट ले लें आप, ठीक है। कभी भी सनराइज दिया गया हो, सनसेट दिया गया हो, डॉन दिया गया हो, व्हाट ट्वाइलाइट दिया गया हो, डस्क दिया गया हो, तो वहां भी हम एट का ही प्रयोग करते हैं। डू यू यूजुअली ईट चॉकलेट्स एक्स ईस्टर? ईस्टर क्या है? एक व्हाट पॉइंट है आपका, तो क्या लग जाएगा, एट लग जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग? अभी आपने ऊपर पढ़ा था द वीकेंड, एंड देखिए रिवीजन भी हो रहा है बच्चों आपका, क्या आपको क्लियर हो जाएगा, आपको तैयार हुआ है कि नहीं। इसके आंसर्स भी आगे आपको, जो पार्ट वन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का, और इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे, इन सारे के आंसर्स भी आपको दिए गए हैं, तो वहां से भी आप चाहें तो बाद में चेक कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा, तो वहां से भी आप अपने से भी आप चेक कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आंसर तो होंगे नहीं ऐसे ही लिखे हुए जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो अपने चेक कर लिए। अगर आप फंस जाते हैं तो लास्ट में उसी पीडीएफ में आंसर्स हैं सबके, चेक कर लेंगे आप, ठीक है। देखिए लास्ट वीक है, समय के पहले क्या है, लास्ट, तो क्या लगेगा यहाँ, नो प्रीपोजिशन। लास्ट वीक आई वर्क अंटिल 9 PM एवरी नाइट, यहां भी देखिए समय के पहले क्या है, एवरी, तो मैंने कहा था एवरी भी अगर समय के पहले तो भी आप किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे आप। माई फादर ऑलवेज रीड्स द पेपर ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम क्या है, एक पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, एट का प्रयोग हो जाएगा, एट ब्रेकफास्ट टाइम हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस देखते हैं। कह रहे हैं कि शी प्लेज टेनिस, दिन का नाम है, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। द ट्रीज हियर आर रियली ब्यूटीफुल, क्या है ये, सीजन है, तो इन हो जाएगा। आई विल सी यू, ट्यूजडे है ना, दिन का है, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। शेक्सपियर डाइड, क्या है, सन दिया गया है, तो इन हो जाएगा। शी स्टडीज, एवरी डे है, यानी जैसे दिन के पहले यानी समय के पहले एवरी आया, नेक्स्ट आया, लास्ट आया, दिस आया, दैट आया, तो फिर वहां नो प्रीपोजिशन। जॉन इज गोइंग टू बाय द पेरेंट प्रेजेंट्स टुडे, ये भी क्या है, आज ही तो खरीदने जा रहे हैं ना, तो किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। इन माई होम टाउन द शॉप्स ओपन अर्ली, यहां द मॉर्निंग है, तो क्या हो जाएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, शी मेट हर हस्बैंड, क्या दिया गया है, सन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। द पार्टी इज नेक्स्ट सैटरडे, अब तो तैयार हो गया होगा ना, सैटरडे टाइम है और इसके पहले नेक्स्ट है, तो नो प्रीपोजिशन हो जाएगा। वी आर मीटिंग, फ्राइडे मॉर्निंग है, दिन है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आई ऑफन गेट स्लीपी, द आफ्टरनून है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। हिज डॉटर वॉज बॉर्न, अब यहां देखिए क्या है, डेट दिया गया है ना, तो बिना सोचे समझे ऑन लगा लें आप। मोबाइल फोन्स बिकेम पॉपुलर, ये 90s क्या है, सन एक तरह से ना 90 मतलब 1990 के दशक में, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ओके चलिए, इसी में और है आपका भी, और लकली द वेदर वॉज परफेक्ट, हर वेडिंग डे, हर वेडिंग डे है, तो समझ सकते हैं क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस किस पे थे, प्रीपोजिशंस के सेक्शन टाइम से संबंधित। अब जो सेक्शंस होंगे समझ सकते हैं वो प्लेस से संबंधित है, और यहाँ भी आपके काम आएगा अगर आप इसको तैयार करेंगे ना, छोटी छोटी चीजें आपकी जो टेट वगैरह के एग्जाम सुपर टेट में दी जाती हैं, आरओआर में दी जाती हैं, वहां आपके काम आना है। तो ही स्विमिंग द रिवर, वो नदी में तैर रहा होगा ना, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। बड़े स्थान के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। वेर इज जूली, सी इज स्कूल, नॉट इन स्कूल, बच्चों क्या लगेगा, सी इज एट स्कूल, क्योंकि स्कूल एक पॉइंट है यहाँ पे। द प्लांट इज, वो मेज के ऊपर है प्लांट ना, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि वो प्लांट उस टेबल के नीचे है, तो अंडर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, यानी यहां दोनों हो सकता है आपका। नेक्स्ट देख लें आप, करें देर इज ए स्पाइडर, द बाथ, बाथ मीन्स द बाथरूम, तो बाथरूम में होगा वो ना, डायमेंशनल है, तो इन हो जाएगा। प्लीज पुट दोज एप्पल्स, वो कटोरे में रखना चाहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। फ्रैंक इज हॉलीडे, हॉलीडे क्या है, हॉली डे यानी ओकेजन है, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। देर आर टू पॉकेट्स, उस बैग में दो पॉकेट्स है ना, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। आई रेड द स्टोरी,
आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ना, तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। द कैट इज शिटिंग। अब यहां आपको एक चीज समझना होगा कि अगर वो चेयर बिना हत्थे के है, मीन्स आर्म चेयर नहीं है, तो हमको क्या लेना होगा यहाँ पे? क्या चीज लेना होगा? ऑन लेना होगा। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि वो चेयर आर्म चेयर है, तो क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे? इन भी लगा सकते हैं। दोनों का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऑन का भी और इन का भी। नेक्स्ट है आपका लूसी वाज स्टैंडिंग। लूसी वाज स्टैंडिंग दैट द बस स्टॉप। ये एक पॉइंट है, तो क्या लगाएंगे? एट, नॉट ऑन द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, एट द एयरपोर्ट होता है ना। आई विल मीट यू द सिनेमा। अब अगर आप इसे एक पॉइंट के रूप में लेंगे तो क्या लेंगे? एट, और सिनेमा के अंदर की बात करेंगे तो क्या लेंगे? इन। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। शी हंग अ पिक्चर। आप दीवार पर टांगेंगे ना, तो क्या लग जाएगा? ऑन का प्रयोग होगा। जॉन इज गॉर्डन। गॉर्डन तो बड़ा है ना, तो क्या लग जाएगा? प्लेस के रूप में इन लग जाएगा। देर इज नथिंग। जब हम टीवी की बात करते हैं, टीवी पर कुछ देखते हैं, तो टीवी में नहीं देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, ऑन हो जाएगा। आई स्टेड होम। हमेशा होम के पहले क्या लगाते हैं? एट। टू का प्रयोग कभी मत करिएगा। आई स्टेड एट होम। व्हेन आई कॉल्ड लूसी शी वाज द बस। हो ना, अभी कल मैंने बैच में आपको पढ़ाया था, जब हम बस की बात करते हैं, शिप की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं या एरोप्लेन की बात करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काम आएगा मेरा अनुभव भी और ये सारी क्वेश्चंस भी आपके। चले और देखते हैं। दरवाजा स्पाइडर ऑन हो जाएगा ना, वो सीलिंग पर है ना। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ब्राउन इज हॉस्पिटल में होंगे वो, तो इन हो जाएगा। डोंट सिट द टेबल है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। सिट, अब यहां ऑन भी ले सकते हैं और अगर वो आर्म चेयर है तो इन भी ले सकते हैं। देर आर फोर कुशन, सोफे पर कुशन होंगे ना, तो क्या लग जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ये एक दो लास्ट सेक्शन है, देख लेंगे भी। ये प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का सेकेंड पार्ट है। करेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन। द वाइन इज बॉटल में, वो वाइन है ना, तो इन हो जाएगा। पास मी द डिक्शनरी, इट इज बुकशेल्फ पर होगी वो ना, तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। जेनिफर इज, जब भी आप टेम्पररी तौर पे वर्क या प्ले का प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले क्या लगाइएगा? एट वर्क लगाइएगा। बर्लिन, जर्मनी तो बड़ा स्थान है ना, तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। यू हैव समथिंग, आपके चेहरे पर कोई चीज है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। शी वाज लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। ऑन द रेडियो होता है, तो जब आप टीवी पर या रेडियो पर कोई चीज सुनते हैं ना, तो उसमें मे का प्रयोग नहीं होता है, ऑन का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑन द रेडियो हो जाएगा। ही हैज अ हाउस। अब यहां कई सारे हो सकते हैं, देखिएगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उसका जो घर है वो नदी पर है, यानी उसके ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? ऑन। अगर आप ये कहना चाहते हैं उसका घर जो नदी के बगल में है, तो क्या हो जाएगा? बिसाइड। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उसका घर नदी के किनारे है, तो क्या हो जाएगा? एलॉन्ग। ऐसे भी इस तरह प्रीपोजिशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। द आंसर इज, जब भी द बॉटम दिया गया होगा ना, क्या लगाएगा? एट द बॉटम ऑफ द पेज। लेकिन अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि आप दिल की गहराइयों से किसी से प्यार करते हैं, तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। जूली विल बी द प्लेन। अभी मैं कहा था ना, जब प्लेन हो, बस हो, शिप वगैरह हो, तो क्या लगाएंगे आप? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देर आर अ लॉट ऑफ मैग्नेट्स। ध्यान रखिए इसके पहले द लगा हुआ है। अगर यहीं पे आप यात्रा की बात करते हैं और केवल प्लेन होता है ना, तो बाई प्लेन हो जाता, ध्यान रखिएगा। देर आर अ लॉट ऑफ मैग्नेट्स, फिश के ऊपर वो मैग्नेट्स है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। शिलिप्स, लंदन तो एक बड़ा स्थान है, तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। जॉन इज, अब यहां देखिए, कल ही मैंने बताया था, जब हम टैक्सी की बात करते हैं, कार की बात करते हैं या जीप की बात करते हैं, और उसके पहले कोई पॉजेसिव केस या ए एन वगैरह लगा होता है, तो क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। बस वगैरह के लिए क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। ठीक है, जब आप इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखेंगे, तो कई सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, यानी मत सोचे एक बार में तैयार होगा बच्चों, मेहनत करिएगा, और इसलिए मैं फास्ट आपको यहां सारे आंसर बता रहा हूं, ताकि आपका कम समय में ज्यादा प्रिपरेशन हो जाए आपके। सारे के आंसर लास्ट में वो भी देख लीजिएगा। आई विल मीट यू द एयरपोर्ट। अभी मैंने कहा था, क्या लगाएंगे आप यहां पे? एट का प्रयोग करेंगे, एट द एयरपोर्ट हो जाएगा। शी स्टूड डैश द विंडो एंड लुकड आउट। वो खिड़की पर खड़ी हुई ना, तो एट द विंडो हो जाएगा।
द कैट इज वो घर के अंदर होगी ना, तो इन द हाउस हो जाएगा। वाई आर यू कॉलिंग सो लेट, आई एम ऑलरेडी डैश बेडो, यानी तुम इतनी देर से क्यों कॉल कर रहे हो, मैं बिस्तर पे हूं। भले बिस्तर पे, लेकिन बिस्तर क्या होता है, बड़ा होता है, आप उसका एक अंश होते हैं, तो इन बेड होता है। ऑन बेड का प्रयोग न करिए, जनरली इन बेड होता है। देखिए, आई वेटेड फॉर जो लूसी, आई वेटेड फॉर लूसी डैश द स्टेशन, अभी ऊपर आपने किया था ना, क्या हो जाएगा, एट द स्टेशन हो जाएगा। देर वॉज ए पिक्चर ऑफ अ फ्लावर डैश हर टी शर्ट, उसके टी शर्ट पर वो पिक्चर है ना, तो ऑन हो जाएगा। शी हैज अ हाउस, जापान तो बड़ा स्थान है, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका वर्ब से संबंधित, यानी लास्ट सेक्शन आपका यहाँ पे है वर्ब से संबंधित, यानी कौन सी वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन सूटेबल होता है, वो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट, जितनी इंपॉर्टेंट बस वही आपके यहाँ समझाया गया। तो स्टॉप वरिंग डैश योर एग्जाम, अपने एग्जाम के बारे में वरी करना, चिंता करना छोड़ दो। वरी के साथ क्या लगाते हैं, अबाउट, वरिंग अबाउट योर एग्जाम हो जाएगा। आई हैव वेटेड, आप किसी का इंतजार करते हैं, तो उसके लिए आप अपना समय देते हैं, तो यहाँ आई आई हैव वेटेड क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। स्टॉप टॉकिंग एंड कंसेंट्रेट, कंसेंट्रेट के साथ जिस चीज पर आप कंसेंट्रेट करते हैं ना, कंसेंट्रेट ऑन हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू पे डैश द न्यूज़पेपर, आप उस न्यूज़पेपर के लिए आपने पे करना भूल भूल गया, तो पे फॉर हो जाएगा। ही एक्सप्लेन द कंप्यूटर प्रोग्राम, कभी भी याद करिए एक्सप्लेन के साथ जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो नहीं, जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। और भी याद होगा आपको, से के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। रिपोर्ट के साथ क्या लगाते हैं आप, टू लगाते हैं, याद होगा ना। प्रपोज के साथ क्या लगाते हैं आप, टू लगाते हैं। सजेस्ट के साथ क्या लगाते हैं आप, याद है, टू लगाते हैं। स्पीक के साथ क्या लगाते हैं आप, टू लगाते हैं। वैसे ही बच्चों एक्सप्लेन के साथ क्या लगाते हैं आप, टू लगाते हैं। और जिसको कोई चीज दे रहे हैं ना, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये भी याद कर लेंगे, काम आएगा आपके। प्रोवाइड समथिंग टू समवन होता है, ध्यान रखिएगा, ये काम आएगा आपके अगर आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो। चलिए, थोड़े बहुत सेक्शंस और हैं, फिर आंसर्स आपके आगे मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। यहां पे आपसे कह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट वी विल डू एट द वीकेंड, यहां देखिए एट द वीकेंड है ना, तैयार हो जाएगा। इट डिपेंड, डिपेंड के साथ क्या लगाते हैं, बताया था मैंने, ऑन या अपान होता है, तो ऑन ले लिया, डिपेंड्स ऑन द वेदर। शी विल अराइव, जब आप किसी बड़े स्थान पर अराइव की बात करते हैं, तो अराइव इन होता है, और जब आप किसी छोटे स्थान की बात करते हैं, तो अराइव एट होता है, ध्यान रखिएगा। लिसन, जिस चीज को आप सुनते हैं ना, तो लिसन क्या होता है, टू हो जाता है, लिसन टू द रेडियो। ही बारोड $20 फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, वैसे शायद पाउंड है ये, तो बारो फ्रॉम होता है, जिससे आप उधार लेते हैं। व्हाई डज दिस, हु डज दिस कोट बिलोंग, जिससे वो बिलोंग करता है ना, तो क्या होता है, बिलोंग टू हो जाता है। सारी सिलेक्टेड प्रिपोजिशंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए, अगर आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो निश्चित ही आपके ये काम आ जाने हैं, लेकिन तैयार करेंगे तब अच्छे से। कोई दिक्कत होगी आप मेरे से पूछ भी सकते हैं बाद में, सर ये चीज समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर लूंगा। देखें, शी लेफ्ट विदाउट पेइंग, अभी आपने क्या ना, पे के साथ क्या लगाते हैं, जिस चीज के लिए पे करना है, पे फॉर का प्रयोग करते हैं। इट वॉज सो हॉट आई कुडन कंसेंट्रेट, अब देखिए रिविजन है बच्चों, आपको आपको तैयार अपने से हो जाना चाहिए, क्या लगाएं, जैसे पढ़े आप तैयार कर लें, कंसेंट्रेट के साथ ऑन लगेगा। इसका पीडीएफ भी आपको मैं दे रहा हूं, तो आप उस पीडीएफ के थ्रू भी चाहें तो पहले प्रिपरेशन कर सकते हैं, फिर जब दिक्कत में हो तब जाके आंसर्स देख लें, या यहाँ वीडियो देख करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। मदर ऑलवेज वरी, वरी याद हो गया ना आपको, क्या लगेंगे, अबाउट हो जाएगा। प्लीज एक्सप्लेन, याद है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, और किसको समझाना है, अपने क्लासमेट्स को, तो क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। आई एम फेड अप ऑफ वेटिंग, वेटिंग क्या हो जाएगा, वेट फॉर समथिंग होता है, वेट फॉर समथिंग। दैट कार बिलोंग्स, देखिए रिविजन हो रहा है पूरा, किससे बिलोंग करता है, माई फादर से, तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सब ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जो एग्जाम में आपके काम आएंगे। चले और देख लें, कह रहे हैं कि शी लिसेंड, क्या सुनती है वो, ओपेरा सुनती है, तो लिसेंस टू हो जाएगा।
विच यूनिवर्सिटी यू गो टू डिपेंड्स, क्या हो जाएगा याद है ना, ऑन या अपॉन हो जाएगा। अ लॉट ऑफ पीपल बारो मनी, बारो मनी मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। व्हेन सी अराइव्ड, अभी छोटा स्थान बच, ये पब तो बड़ा स्थान नहीं होता है ना, तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, एट द पब हो जाएगा। यानी छोटे स्थान के अराइव के साथ क्या लें, एट, और बड़े स्थान के लिए क्या लें, इनका प्रयोग कर लें आप। और ये वर्ब का सेकेंड सेक्शन आपका है, शायद लास्ट हो, देख लें। करें, इट इज सो नॉइजी दैट आई कुड नॉट, ये तो रिवीजन हो गया ना आपका। कंसेंट्रेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। पे क्या हो जाएगा, ये एकदम रिवीजन हो गया आपका, पे फार हो गया। बिलोंग्स क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। बारोड क्या हो जाएगा, फ्रॉम, मैं फास्ट करा दे रहा हूं ताकि आपका समय बच जाए। वेटिंग क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते जाए। फिर क्या है आपका, जूलिंग क्या है, गिल, इट डिपेंड्स क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अराइव्ड ये सिनेमा है, सिनेमा क्या होता है, छोटा स्थान है, तो इन नहीं होगा बच्चों, क्या लगेगा, एट लगेगा। प्लीज एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम, समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन टू अस हो जाएगा। सी वाज लिसनिंग क्या हो जाएगा, अब ये रेडियो को नहीं सुन रही, बताओ रेडियो पर सुन रही है, तो क्या हो जाएगा, ऑन द रेडियो, सी वाज लिसनिंग, सॉरी सॉरी, रेडियो को ही सुन रही ना, व्हेन सी, हाँ बिल्कुल, लिसनिंग टू द रेडियो हो जाएगा। वैसे अगर हम रेडियो के इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करूँ तो हम ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, वरीज के साथ आपको याद हो गया होगा, सारी बच्चों को याद होगा, वरीज के साथ क्या लगेगा, अबाउट हो जाएगा। माय फ्लैटमेट, तो फ्लैट में समझते हैं, फ्लैट में रहने वाला आपका दोस्त, तो माय फ्लैटमेट लिसेंस क्या हो जाएगा, टू, यही तो सुन रहा है ना, अ लॉट ऑफ जॉब्स। डेविड पेड, रिविजन हो गया, फार हो जाएगा। हु डज दैट हाउस बिलोंग टू हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल लास्ट में हम लोग आने वाले हैं, बारोड के साथ आपको याद है क्या लगना है, बारोड फ्रॉम हो जाएगा, और कंसेंट्रेट के साथ क्या हो गया, ऑन हो गया, और ये डिपेंड के साथ क्या हो गया, ऑन हो गया, वेटिंग के साथ क्या हो गया, फार हो गया। व्हेन विल अराइव, अभी बड़ा स्थान दिल्ली है ना, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। अब पुलिसमैन एक्सप्लेन द चिल्ड्रेन, समझ सकते हैं, एक्सप्लेन किनको एक्सप्लेन किया उसने, बच्चों को, तो एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रेन हो गया आपका। चलिए फिर क्या है आपका, अब यहाँ कौन से एडजेक्टिव्स के साथ प्रिपोजिशन कौन सा लगता है वो आपको लास्ट में समझाया गया है। इंग्लैंड इज फेमस, जिस चीज के लिए आप फेमस होते हैं, फेमस फॉर इट्स रेनी वेदर। प्राउड के साथ हम जिस चीज पर प्राउड होते हैं, ऑफ लगाते हैं। ही इजंट रियली इंटरेस्टेड, जिस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, इन लगाते हैं। जिस चीज से प्रसन्न होते हैं, प्लीज्ड विद लगाते हैं। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर, दोबारा जरूर देखिएगा, ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया और फिर इसे छोड़ दीजिएगा, कतई नहीं, दोबारा जब इसे तैयार करेंगे तो आप और बेहतर कर सकते हैं इसको आप। चलिए फिर क्या, अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी बैड, ये बहुत काम आएगा। देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा, गुड एट समथिंग या बैड एट समथिंग होता है, काम आएगा। तो आई एम वेरी बैड एट हो जाएगा, नॉट इन, बैड एट म्यूजिक। I've been married, जिससे हमारी शादी हुई है, passive voice हो ना, देखिए passive voice है ना, तो क्या लगाते हैं, to, active में कोई preposition नहीं लेते हैं। She is very excited, इस party को लेकर के आप excited है ना, तो excited about the party। Julie is very different, कई बार exam में दिया गया, different के साथ क्या लगाते हैं, from लगाते हैं, then नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। My niece is afraid, afraid के साथ क्या लगाते हैं, off लगाते हैं, वैसे ही fond के साथ क्या लगाते हैं, आफ लगाते हैं, याद होगा आपको। अक्यूज्ड के साथ क्या लगाते हैं, आफ लगाते हैं। कन्विक्टेड के साथ क्या लगाते हैं, आफ लगाते हैं, है ना। चलिए अब बाल गाउन इज सिमिलर, सिमिलर के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। व्हाट इज योर टाउन, अब समझ सकते हैं रिवीजन है आपका, तो क्या हो जाएगा, फेमस के साथ फार हो जाएगा, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो। प्राउड के साथ क्या हो जाएगा, एक ही एक्सरसाइज में आपको बताया भी गया है, रिवीजन भी कराया मैंने। एक्साइटेड, जिस चीज को लिए एक्साइटेड है वो क्या लगेगा, अबाउट हो जाएगा। दैट बाइक इज सिमिलर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। इंटरेस्टेड के साथ क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। प्लीज्ड, जिस चीज से आप खुश हैं क्या हो जाएगा, प्लीज्ड विद हो जाएगा।
चलिए और देखें, बिल्कुल लास्ट आ गया आपके सामने। अब ये है आपका, कह रहे हैं लूसी इज एक्सट्रीमली गुड, बैड एट, तो गुड एट भी होता है, गुड एट लैंग्वेजेस। हुई जेम्स मैरिड, ये भी पैसिव है, किससे शादी हुई है शादी, मैरिड टू हो जाएगा। इंग्लिश ट्री इज वेरी डिफरेंट, याद हो गया, फ्रॉम हो जाएगा, और ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल आपको मैंने जो जरूरी है, सब नहीं हो सकता लेकिन जितने जरूरी हैं वो सब आपको दिए गए हैं। अब यहां बच्चों देखिएगा ध्यान से, अब ये देखिए सारे आंसर्स हैं, है ना, ये सारे आंसर, जैसे एक मैं आपको तरीका समझा दे रहा हूं, फिर आप बाकी अपना देखिएगा। जैसे आपने शुरू किया एक सेक्शन अपना, एक मिनट बस देखें, जैसे आपने प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के फर्स्ट सेगमेंट को आप वहां ऊपर देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो नीचे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे लूसी इज अराइविंग ऑन हो जाएगा, है ना, 13th है। फिर ये 8 o'clock है तो क्या दिया गया, एट दिया गया है, एट 8 o'clock, और ये द मॉर्निंग क्या दिया गया है, इन दिया गया। ऐसे सारे जितने आंसर्स आपके हैं वो सारे आंसर्स देखिए यहाँ पे दिए गए, देख लें सारे लास्ट पे मैंने दिए, जहां पे किसी प्रिपोजिशन की आवश्यकता नहीं है वहां पे कुछ नहीं दिया गया होगा, तो आप समझ सकते हैं वहां कोई प्रिपोजिशन नहीं लगेगा। तो जो भी बच्चे अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रिपोजिशन से संबंधित, वो इस सारी चीजें तैयार कर सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू भी या इस मेरी वीडियो के थ्रू भी। ठीक है, चलिए सारे देख लीजिएगा, तैयार जरूर करिएगा, ताकि ये प्रिपोजिशन से संबंधित आपका डर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।